हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी, आपका अपने यूट्यूब चैनल के बागड़ी शर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में रानी सती माता के बारे में, जो देवियों की लोक देवियों की सीरीज चल रही है। उसमें बहुत सारे लोक देवी हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरे वीडियो में बात करने वाले रानी सती के बारे में। रानी सती कौन थी, सती माता के बारे में बात करेंगे, जो दादी जी के नाम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रानी सती का परिचय देखें तो दोस्तों, इसका वास्तविक नाम है वो नारायणी देवी था। रानी सती का नाम क्या था, वास्तविक नाम नारायणी देवी था। सती होने के बाद में इसका नाम क्या पड़ा, सती दादी। सती दादी के नाम से या दादी जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। पति का नाम था तन धनदास। दोस्तों, रानी सती के पति का नाम क्या था, तन धनदास था। और इनका मुख्य स्थल है दोस्तों झुंझुनू। देखिए क्या होता है, कहते नारायणी देवी और पति तन धनदास, दोनों कहते नारायणी देवी अपने पति तन धनदास के साथ में ससुराल जा रही थी। उसी समय हिसार के नवाब ने नारायणी देवी के पति की हत्या वो धोखे से कर दी। इसी कारण रानी सती कहते हैं अपने पति के साथ में सती हो जाती है। मान्यता क्या है दोस्तों, देखिए दादी जी के रूप में प्रसिद्ध है और ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। रानी सती है वो किस समाज की कुलदेवी है, अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। दोस्तों, मेले की बात करें तो रानी सती का मेला भाद्रपद की अमावस्या को लगता है। भाद्रपद की अमावस्या को लगता है, लगता कहाँ है, झुंझुनू में लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है, झुंझुनू में लगता है। और दोस्तों, आपने एक रानी सती के बारे में आपने बहुत सारा एक कहावत भी सुनी होगी, एक गीत भी आता आपने सुना होगा, रानी सती राज करती झुंझुनू के माई, मारो श्याम बसे खाटू माई, साला सर में बजरंगी। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, रानी सती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रानी सती कहाँ राज करती है, झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू के अंदर मुख्य मंदिर बना हुआ है रानी सती का, और दादी जी के नाम से लोकप्रिय है। इसके बाद में और जानकारी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सती के बारे में, जो सती है रानी सती, सती प्रथा के बारे में साथ में बताऊंगा कि सती प्रथा पर रोक कब लगी। तो सती प्रथा पर रोक दोस्तों सबसे पहले कहते हैं 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन, सॉरी बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन के आदेशानुसार या उनके निर्देशानुसार या उनके सहयोग के कारण 1822 में बूंदी रियासत ने रोक लगाई। उसके बाद में राजा राम मोहन के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया, इस पर रोक लगा दी पूर्णतः सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में। इस सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा की जो जानकारी है सबसे पहले एरन अभिलेख में मिलती है, जो गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख के समय सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी मिली थी। वहाँ पर कहते हैं भानुगुप्त का सैनिक था गोपराज, उसकी पत्नी है वो शहीद हुई थी। तो सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। और अंतिम सतीकांड की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना है, अंतिम सतीकांड 1987 का देवराला गांव, कौन सा गांव, देवराला, देवराला है दोस्तों सीकर में। तो देवराला सीकर का अंतिम कांड माना जाता है, अंतिम सतीकांड 1987 का माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी माता, रानी सती के बारे में मैंने आपको बता दिया, अवगत करवा दिया है। इसके बाद हम दूसरी बात करें दूसरी कुलदेवी के बारे में। दूसरी कुलदेवी है हमारी कौन सी, आई माता। कौन सी कुलदेवी दोस्तों, आई माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई माता, आई माता दोस्तों कौन सी जाति की, सिरवी जाति की कुलदेवी है, क्षत्रियों की कुलदेवी, सिरवी जाति की कुलदेवी है। दोस्तों आपसे कूट मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तरफ आपके नाम दिए जाएंगे माताओं के नाम, दूसरी तरफ दी जाएंगी कुलदेवी, जैसे सिरवी कुलदेवी की, सिरवी जाति कुलदेवी यहाँ पर दे दिया, अग्रवाल समाज की कुलदेवी यहाँ दे दिया, चौहानों की कुलदेवी, और उनके सामने जीण माता लिख दिया, उनके सामने आई माता लिख दिया, यहाँ लिख दिया कुछ और लिख दिया। तो इस प्रकार कूट मिलाने आपसे क्वेश्चन वाले आ सकते हैं इस प्रकार। तो आप ध्यान रखना, आई माता कौन सी समाज की कुलदेवी है, तो ये सिरवी समाज की कुलदेवी है। और ये रामदेव जी की क्या थी दोस्तों, शिष्या थी, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। मुख्य स्थान की बात करें दोस्तों, मुख्य स्थान बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके थान को बढ़ेर कहा जाता है दोस्तों, इनके मुख्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है और उनके थान को क्या कहते हैं, बढ़ेर कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, क्या आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान को क्या कहा जाता है, बढ़ेर कहा जाता है। बढ़ेर का मतलब होता है दोस्तों मंदिर में कोई मूर्ति न होना, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, बढ़ेर बोलते हैं। तो आई माता के मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं है तो इस मंदिर को क्या बोला जाता है, बढ़ेर बोला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आई माता के मंदिर को भी क्या कहते हैं, बढ़ेर कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, मंदिर में स्थित अखंड ज्योति से केसर टपकती है। दोस्तों आई माता के मंदिर में केसर टपकती है जबकि केसरिया कुंड जी के मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आई माता के मंदिर में जो केसर टपकती है वो केसर टपकती है और केसरिया कुंड जी के मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है। और जीण माता के मंदिर की केसर है वो, या हर जो जीण माता के भाई हर्ष भैरू का जो मंदिर है वहाँ पर केसर जो होती है
वो केसर बैन तो काजल ही होता है, तो जो काजल है वो उत्तम किस्म का माना जाता है हर्ष भैरों का। इसके बाद में दोस्तों बात करें आवड़ तेमड़ा या स्वांग्या माता या सुग्गा माता या योग माया माता, सभी एक ही है। आवड़ माता कहें, तेमड़ा माता कहें, स्वांग्या माता कहें, सुग्गा माता कहें, योग माया माता कहें। इस माता की बात करें दोस्तों, पिता कौन था? मामड़ चारण, करणी माता की इष्ट देवी थी। मैंने आपको बताया था करणी माता में, तो करणी माता में बताया था करणी माता की इष्ट देवी कौन है? करणी माता की इष्ट देवी है मामड़ चारण, मामड़ चारण है इनके। करणी माता की इष्ट देवी मुख्य स्थल की बात करें तो करणी माता की या सॉरी तेमड़ा माता या आवड़ माता की मुख्य स्थल है तेमड़ा राय पर्वत जैसलमेर में। यह जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों की कुलदेवी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जैसलमेर में कौन सा वंश है? भाटी वंश है। और भाटी वंश की कुलदेवी कौन सी है? आवड़ माता या तेमड़ा माता या स्वांग्या माता है। हर वंश की कुलदेवी अवश्य होती है। इसके बाद में दोस्तों इसके प्रतीक की बात करें तो आवड़ माता का प्रतीक होता है मुड़ी हुई नोक वाला भाला, या क्या कह सकते हैं? शगुन चिड़िया। मुड़ी हुई नोक वाला भाला या शगुन चिड़िया। तेमड़ी माता का प्रतीक जिसे स्वांग कहा जाता है, जैसलमेर के राज चिन्ह में अंकित है। इसके बाद तेमड़ी माता ने जैसलमेर के राव लूणकर्ण को राज्य विस्तार करवाने में इसका मुख्य सहयोग किया था। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नारायणी माता की, कौन थी? नारायणी माता। दोस्तों हम बात करें इसके बाद हम बात करेंगे नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता का वास्तविक नाम दोस्तों करमेती बाई था। मुख्य स्थान बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में। और ये नाई समाज व मीणा समाज की कुलदेवी है। और कहते हैं नाई समाज और मीणा समाज दोनों में इस बात पर मतभेद भी है कि नारायणी माता के मंदिर का मुख्य पुजारी के बनने में दोनों में हमेशा झगड़ा रहता है। मंदिर का निर्माण की बात करें दोस्तों 11वीं सदी में गुर्जर प्रतियारों ने मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दोस्तों नारायणी माता के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं नारायणी माता अपने पति के साथ पहले कहते हैं जब मार्ग हुआ करता था, जंगलों का मार्ग हुआ करता था, तो नारायणी माता के पति को यहाँ पर धोखे से मार दिया जाता है। तो कहते हैं नारायणी माता यहाँ पर नाई समाज और मीणा समाज के लोग यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे। बरवा डोंगरी की बात है दोस्तों अलवर में। तो यहाँ पर कहते हैं नारायणी माता इन्हीं व्यक्तियों के सहयोग से कहते हैं अपने पति की चिता के लिए लकड़ियाँ चुनती है। और इसी समय कहते हैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर इसी बरवाडूंग की पहाड़ी पर कहते हैं जब ये नारायणी माता अपने पति के साथ में जब सती होती है नारायणी माता, तो इन नाई समाज व मीणा समाज के लोगों को एक वचन देती है। कहते हैं इनको जब वचन देती है कि इनसे कहती है कि आप जो भी मांगोगे तो आपकी मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। तो इन लोगों ने अपने समय की उस समय की कहते हैं पानी की समस्या थी, इसलिए इन लोगों ने क्या मांगा था? पानी की व्यवस्था हो जाए कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो हमारे गांव में अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो नारायणी माता ने वचन दिया था कि आप इस पहाड़ी से यहाँ से जाएंगे तो वापस मुड़कर आपको नहीं देखना। जहाँ पर आपके पीछे पीछे पानी आएगा और जहाँ तक आप जाओगे वहाँ तक ये पानी जाएगा, और जहाँ आप पीछे मुड़कर देख लोगे वहीं पर पानी ठहर जाएगा। तो वो लोग यहाँ कहते हैं बरवाडूंग की पहाड़ी से चल देते हैं। नारायणी माता ये बात कहकर सती हो जाती है। वो लोग कहते हैं कुछ समय के बाद चल देते हैं वहाँ से पहाड़ी से। और थोड़ी दूर चलने के बाद में आपको पता है ना दोस्तों ज़्यादा बातों पर विश्वास नहीं होता, तो इसमें से कहते हैं एक व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देख लिया। और कहते हैं वास्तविकता ये थी कि वो पानी भी पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के कारण आज भी पहाड़ी पर कहते हैं पहाड़ी से पानी आता है लेकिन वो वहीं पर गायब हो जाता है। और नारायणी माता का मुख्य ये प्रतीक था कि जहाँ पर आप रुक जाओगे या यहाँ पीछे देख लोगे तो पानी वहीं पर रुक जाएगा। तो आज भी कहते हैं नारायणी माता लोगों के दिलों में बसती है और उनका मुख्य सहयोगी भी बनकर उनकी देखभाल भी करती है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आशापुरा माता या महोदरा माता। आशापुरा माता या महोदरा माता या भुंदरा माता भी कहा जाता है। मुख्य स्थान है महोदरा जालौर में। और ये कौन से समाज की कुलदेवी है? ये बिस्सा समाज की कुलदेवी मानी जाती है। आशापुरा माता कौन से समाज की कुलदेवी है? बिस्सापुरा माता समाज, बिस्सापुरा समाज की कुल देवी मानी जाती है। ये दोस्तों ध्यान रखें बिस्सा जाति होती है ना, बिस्सा जो जाति होती है इसकी एक विशेषता होती है कि बिस्सा जाति के लोग हाथों पर मेहंदी कभी नहीं लगाते। दोस्तों क्या ध्यान रखेंगे, बिस्सा जाति की जो महिलाएँ होती हैं वो कभी मेहंदी नहीं लगाती, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट कुलदेवियों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कुलदेवी की बात करें दोस्तों तो तनोटिया माता के बारे में पढ़ेंगे। तनोटिया माता दोस्तों ध्यान रखना, तनोटिया माता के बारे में तथ्य मिलता है कि तनोटिया माता मुख्य स्थान इनका तनोट जैसलमेर में है।
और तनोट जैसलमेर में क्या मिले, प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हुए हैं। मान्यता क्या, इनकी थार की वैष्णो देवी वह BSF के जवानों की कुलदेवी मानी जाती है, या फिर इसे कह सकते हैं रूमाल वाली देवी। दोस्तों क्या तनोटिया माता के मंदिर की विशेषता ये है कि कहते हैं 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मैन भूमिका निभाई थी इस तनोटिया माता ने, तो इस मुख्य भूमिका निभाने के कारण यहाँ पर विजय स्तंभ भी बनाया गया। और तनोटिया माता है वो BSF जवानों की कुलदेवी मानी जाती है, और यहाँ पर कहते हैं BSF समाज के ही लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तनोटिया माता की पूजा की जाती है। और यहाँ पर कोई मिठाई वगैरह नहीं चढ़कर यहाँ पर किसको चढ़ाया जाता है, रुमाल वाली देवी, मतलब रुमाल चढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो ये आपकी तनोटिया माता BSF समाज या थार की वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ठीक है। अगर ये थार की वैष्णो देवी पूछा जाए तो तनोटिया माता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान की वैष्णो देवी, तो राजस्थान की वैष्णो देवी है दोस्तों अर्बुदा देवी। कौन सी देवी? अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी है, जबकि थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तनोटिया माता है। इसके बाद दोस्तों बात करें चामुंडा माता, या इसे कह सकते हैं नागणीची माता। ये दोस्तों नागणीची माता समस्त राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ये जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। मुख्य स्थल इनका कहाँ? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इस नागणीची माता के कहते हैं 18 हाथ हैं। इसके बाद यहाँ स्थित मंदिर का निर्माण धुवर सिंह राठौड़ ने करवाया था। धुवर सिंह राठौड़ ने कहते कर्नाटक से ये मूर्ति लेकर आए थे अपने समय में, और इन्होंने ये मूर्ति है वो नगाणा गांव बाड़मेर में लगाई थी। नागणीची माता का मुख्य मंदिर नगाणा गांव बाड़मेर में है, जबकि महाराजा जोधपुर ने जोधा सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणीची माता का मंदिर है वो बनवाया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे शाकंभरी माता की। शाकंभरी माता या सकराय माता की कहा जाता है, ये खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है। शाकंभरी माता कौन से समाज की कुलदेवी है? खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है दोस्तों। शाकंभरी की बात करें तो ये सांबर के चौहानों की कुलदेवी। दोस्तों ध्यान रखना शाकंभरी माता ये तो कौन से समाज की है? सांबर के चौहान की या चौहानों की कुलदेवी है, जबकि सकराय माता ये उदयपुर घाटी में, इसी का दूसरा रूप है सकराय माता, उदयपुर घाटी झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है, ये खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है। शाकंभरी माता का मंदिर पूछे तो सांबर जयपुर में, सकराय माता का मंदिर पूछे तो उदयपुर घाटी झुंझुनू में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। सकराय माता खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है, और शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे सचिया माता की। सचिया माता दोस्तों ओसिया जोधपुर में, और ये कौन से समाज की है? ओसवाड़ समाज की कुलदेवी है। इसके बाद हम बात करें अंबिका माता की, मुख्य स्थान दोस्तों ध्यान रखना सचिया माता ओसिया जोधपुर में ओसवाड़ समाज की कुलदेवी है, और मंदिरों का निर्माण में प्रतियार वंश ने प्रतियारों ने महामारू शैले में करवाया था। अंबिका माता दोस्तों मुख्य स्थान जगत उदयपुर में है, और ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाड़ का खजुराहो, तो क्या बताएंगे? अंबिका माता मंदिर उदयपुर में। अब दो तीन क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को बोलते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे बोलते हैं? तो भंड देवरा को। दोस्तों ये खजुराहो क्या था तो ध्यान रखना एमपी में जो पहले जो चंदेल वंशों ने खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे, उन्हीं की जो प्रक्रिया है, उन्हीं की प्रतिक्रिया पर ये मंदिर वो बने हुए हैं, उन्हीं की शैली के आधार पर बने हुए हैं, उन्हीं के जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद बात करें राजस्थान का एलोरा महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएँ हैं। ये राजस्थान में कोलवी की जो बौद्ध गुफाएं हैं झालावाड़ में, इनको राजस्थान की एलोरो गुफा कहा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें नेक्स्ट सुगाली माता की। कौन सी माता? सुगाली माता। सुगाली माता मुख्य स्थान है आहुआ गांव पाली में। कौन सा स्थान? आहुआ पाली में। आपने 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद आ गया होगा 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता थी। आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। आपसे पूछा जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। आपसे पूछा जाएगा 10 सिर 54 हाथ वाली कुलदेवी कौन सी? तो भी सुगाली माता। 10 सिर और 54 हाथ वाली कुलदेवी कौन सी है? तो वो भी सुगाली माता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे सुगाली माता जब 1857 की क्रांति के समय उनका मुख्य योगदान रहता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी, असंख्यात 10 सिर वाली अंग्रेजों ने कहते हैं सुगाली माता की जो मूर्ति यहाँ से उठाई और अजमेर में रख दी थी, लेकिन वर्तमान में ये बागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है? बागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बाण माता की। कौन सी माता है? बाण माता।
बाण माता दोस्तों मुख्य स्थान है इनका बाण माता केलवाड़ा उदयपुर में। ये सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। आपको पता है दोस्तों मेवाड़ में कौन सा राजवंश था? सिसोदिया राजवंश था। तो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता है। महाराणा कुंभा द्वारा मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है। और इस मंदिर का निर्माण, ये ज्वाला माता पहले मौर्य शासक मानमौर्य द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर था। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद है दोस्तों देखिए ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता दोस्तों मुख्य स्थान है सोरसन बारा में। यहाँ पर देवी के पीठ का श्रृंगार में पूजा की जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो वो कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता है, जो सोरसन बारा में पूजी जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करें हिंगलाज माता। मुख्य स्थान लोदरवा जैसलमेर में दोस्तों, जैसलमेर के बाटी वंश की कुलदेवी कौन सी है? हिंगलाज माता, ये लोदरवा जैसलमेर में। वीरात्रा मात्रा मुख्य स्थान चौहटन बाड़मेर में, ये बोपों की कुलदेवी है। वीरात्रा मात्रा कौन सी कुल वंश की? बोपा वंश की कुलदेवी वीरात्रा माता है। मुख्य मंदिर कहाँ? चौहटन बाड़मेर में। चौथ माता दोस्तों मुख्य स्थान चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और ये कौन सी जाति की है? कंजर जाति की है। कंजर, कंजरो, कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता है। इसके बाद में आवरी माता। आवरी माता मुख्य स्थल है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में ददीमती माता। ददीमती ब्राह्मणों की कुलदेवी, दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गोठ मांगलोद नागौर में इनका मुख्य है मेला लगता है। ददीची माता, ददीची ब्राह्मणों की कुलदेवी और गोठ मांगलोद में इनका लगता है मेला। इसके बाद में बात करें दोस्तों हिचकी माता। हिचकी माता दोस्तों इनका मुख्य मंदिर सरवाड़ अजमेर में नहीं है, हिचकी माता उदयपुर में। हिचकी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। छींक माता, छींक माता दोस्तों जयपुर में। फिर एक आती है छींच माता। छींच माता दोस्तों बांसवाड़ा में है, जबकि छींक माता कहाँ है? जयपुर में। गेवर माता, गेवर माता दोस्तों राजसमंद में। आपको बता दूं राजसमंद में एक झील बनी हुई है, राजसमंद झील। राजसमंद झील का जब निर्माण करवाया जा रहा था राज सिंह के द्वारा 1652 ईस्वी में, तो कहते हैं राजसमंद जब झील का निर्माण नहीं होता है तो यही गेवर माता इस राजसमंद झील के पास में सती होती है। और इस गेवर माता को बिना पति के सती वाली माता माना जाता है। बिना पति के सती वाली माता पूछा जाए तो कौन सी माता? गेवर माता, जिसका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर आती है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए चिरजा, लोक देवियों के जागरण में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? चिरजा कहलाते हैं। सिंघाऊ क्या होता है? तो शांति काल तथा मनोनीति मनोतिपूर्ण होने पर रखे जाने जागरण में गाए जाने वाला सिंघाऊ। गढ़ाऊ, विपत्ति के समय रखे गए जागरण को जागरण में गाए जाने वाले गढ़ाऊ होते हैं। नावा, किसी लोक देवता या लोक देवी की गले में डाली जाने वाली जो प्रतिमूर्ति होती है वो नावा कहलाती है। पथवारी, शुभ यात्रा की कामना हेतु किया जाने वाला पूजन क्या कहलाता है? पथवारी पूजन कहलाता है। इल्लो जी कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना जालौर जिले के लोक देवता थे और इन्हें अविवाहित युवक विवाहित तो इनकी पूजा करते हैं। और इल्लो जी को, वैसे इल्लो जी आप जानते होंगे हिंदू होली के प्रेमी थे इल्लो जी, और ये छेड़छाड़ लोक देवता भी छेड़छाड़ लोक देवता के रूप में भी इल्लो जी प्रसिद्ध है। तो ये हमारे जो लोक देवियाँ हैं वो पूरी हो चुकी है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।